रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां वित्त सेवा अधिकारी संघ के समारोह में सीएम शामिल हुए हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति पर सीएम भूपेश बघेल का एक बयान भी सामने आया है। देश के कई राज्यों से हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी, उनकी तरफ से कहा गया है कि केंद्र सरकार हमारे हिस्से का पैसा नहीं दे रही है। धर्मांतरण कानून को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है। कहा है कि 2006 में रमन सिंह ने धर्मांतरण पर कानून बना, जो कानून आज तक लागू नहीं हो पाए। बीजेपी के समय में ज्यादा चर्च बने हैं, ईडी के भरोसे बीजेपी चुनाव लड़ रही है। एक काम करिए, छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, भारत सरकार की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, मध्य प्रदेश के निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश के निकाल लीजिए, वहां की वित्तीय व्यवस्था और हमारी छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था देख लीजिए। अभी पहला क्वार्टर है, हम लोग लोन नहीं लिए अप्रैल से जून तक के, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में दो दो तीन तीन बार हो गए उसको लोन लेते, तो और किससे आंकेंगे आप? वित्तीय व्यवस्था FRBM एक्ट है, उसे हम लोग पालन कर रहे हैं, जबकि FRBM एक्ट के हिसाब से भारत सरकार को दुगुना उससे भी पार कर गया, 3% रहना चाहिए FRBM एक्ट, तो वो तो भारत सरकार तो 7% उसका तो बढ़ा हुआ है, वो किस मुझ बात करते हैं हमारी वित्तीय व्यवस्था के बारे में, बल्कि ये है कि हमारे हिस्से का पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है। सवाल इस बात का है कि 2006 में रमन सिंह की सरकार ने धर्मांतरण का कानून लाया, वो आज तक लागू क्यों नहीं कर पाए? 6 से लेकर 18 तक उसकी सरकार थी, केंद्र में उसकी सरकार थी, क्यों लागू नहीं कर पाए? दूसरी बात यह है, मैं बार बार कहता हूं कि उसके शासनकाल में ज्यादा चर्च बने, धर्मांतरण तो उसके समय में ज्यादा हुआ, और हमारे समय में जो भी शिकायत मिली हमने कार्रवाई की, जांच की और उसके बाद कार्रवाई की। तो ये धर्मांतरण क्यों चुनाव आ गया है, कहां से उसे उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं ना, न किसान उनके साथ, न आदिवासी उनके साथ, न मजदूर, न महिला, न युवा, व्यापारी, कोई उसके साथ नहीं है। वो ईडी भरोसे चुनाव लड़ने चाह रहे थे, लेकिन देखे कि ईडी भी मतलब कामयाब नहीं हो रहा है, तो फिर अब फिर से पुराने पन्ने फिर से पलटने शुरू किए कि अब धर्मांतरण करो तो उसको मुद्दा बनाओ, सांप्रदायिकता का मुद्दा बनाओ। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां डीए बढ़ाने की मांग को लेकर कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर है। 7 जुलाई को सामूहिक अवकाश पर कर्मचारी जाएंगे। एमपी में डीए बढ़ाने के बाद कर्मचारी संगठन ने एक बार फिर से मांग उठाई है इस चीज की। 9% डीए बढ़ाने की कर्मचारी मांग कर रहे हैं। पहली बार कर्मचारी संघ के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि कर्मचारी महंगाई भत्ते की मांग को लेकर के आंदोलन करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में 7 जुलाई को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश देने का निर्णय प्रदेश के कर्मचारियों ने लिया है, और यदि उसके बाद भी महंगाई भत्ता और लंबित मांगों की पूर्ति छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नहीं की जाती तो 1 अगस्त से पूरे प्रदेश के कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर चले जाएंगे। धमतरी की ओर अब रुख करेंगे, जहां बिलासपुर में कांग्रेस नेता ने किसान को धमकी दी थी। मामला इसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बयान सामने आ रहा है। धमकी वाले वायरल वीडियो से मोहन मरकाम अनजानों की तरफ से कहा गया कि मुझे इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है, शिकायत अगर आती है तो पार्टी इसकी जांच भी करवाएगी। नहीं देखिए, मेरे पास छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पास ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है, न ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है। अगर कोई शिकायत आएगी तो उन पे हम लोग जांच भी कराएंगे, आखिर हकीकत क्या है। भिलाई से अगली बड़ी खबर, जहां नगर निगम की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। भिलाई में पीलिया फैला हुआ है, वार्ड 38 में पीलिया के लोग शिकार हो रहे हैं। अब तक 6 लोग पीलिया की चपेट में आ चुके हैं। निगम के दावे खोखले साबित हुए हैं, धरातल पर राहत कार्य बिल्कुल नजर नहीं आता है। आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। घरों के पीछे गंदगी का अंबार, BSP की पाइपलाइन जर्जर पड़ी हुई है। पीछे में बहुत गंदगी है, पाइपलाइन तो इतना गंदा है वहाँ पे, पूरा किसी की पाइपलाइन ही सबका पानी बहते रहता है, गंदा पानी गटर का, कोई व्यवस्था नहीं है। पेड़ भी कभी साल में एक बार काटते हैं तो वहीं पूरा फैला के गंदगी करके चले जाते हैं। सर बीच में पता चला उसमें BSP वाले में गंदा पानी आ रहा है, तो उसी को बच्चे लोग पिए तो उस वजह से बीमार पड़े हैं। कितना डर लगता है गंदा पानी आता है? अब सब पता नहीं, अब आए चेक करने के लिए देखे तब पता चला है, हम लोग को भी वही पानी को पी रहे थे हम लोग भी। तो पानी की दिक्कत ये है, पानी से आप पानी उसको देखेंगे बहुत गंदा है पानी,
पानी से झाग आता है, काला काला आता है पानी, पर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, उसको पीना ही पड़ेगा। इसी बच्चे पीलिया की चपेट में आए हैं। जी जी आए हैं, तो वो पानी, अब दूसरा पानी कोई है ही नहीं कि पियेंगे पीना। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां नौकरी लगवाने के नाम पर 25 लाख रुपए की ठगी की गई है। फूड इंस्पेक्टर की नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी हुई है। पीड़ित चंद्रप्रकाश गुप्ता ने शिकायत दर्ज करवाई आरोपी हेमंत पवार के खिलाफ। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बिलासपुर से जानकारी, जहां पर नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म इमरजेंसी का पहला टीजर जारी किया है। फिल्म में कंगना रनौत ने इंदिरा गांधी का अहम रोल निभाया है। कंगना फिल्म इमरजेंसी के साथ बतौर डायरेक्टर डेब्यू कर रही हैं। कंगना ने ट्वीट कर टीजर जारी किया, बताया कि फिल्म 24 नवंबर को रिलीज हो रही है। इमरजेंसी के टीजर में देश में आपातकाल की झलक मिलती है, जिसमें जनता अस्थिर माहौल में गलियों और सड़कों पर सरकार की इमरजेंसी के फैसले का विरोध करती नजर आती है। टीजर में अखबारों की खबरों को भी दिखाया गया है, जो कि देश में इमरजेंसी लागू होने की सूचना दे रही है। टीजर में अभिनेता अनुपम खेर जेल के सलाखों के पीछे नजर आते हैं। विपक्षी पार्टी के लोगों की गिरफ्तारी का प्रतीक है। अनुपम खेर ने फिल्म में जयप्रकाश नारायण का किरदार निभाया है। उन्हें टीजर में कहते हुए सुना जा सकता है कि हमारी नहीं, इस देश की मौत है, तानाशाही को रोकना होगा। फिर इंदिरा गांधी के किरदार में कंगना रनौत दिखती है, कहती है कि मुझे इस देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंदिरा ही इंडिया है। क्योंकि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज India. भारत के इतिहास की सबसे अंधेरी घड़ी आ चुकी है। सरकार राज नहीं, अहंकार राज है। ये हमारी नहीं, इस देश की मौत है। इस तानाशाही को रोकना होगा। मुझे इस देश की रक्षा करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।